बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, दैट इज अबाउट द 12.3 बेटे। आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स एंड ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द आई ऑफ द शीप और अ बुल। ठीक है, हम शीप की या बुल की जो है ना वो आई की एग्जामिनेशन करेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे बेटा। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, आई इज लोकेटेड इन द बोनी सॉकेट और द ऑर्बिट इन द स्कल बेटा। कहाँ पे होती हैं आपकी आंखें, ये ऑर्बिट सॉकेट के अंदर, ठीक है, आई सॉकेट्स बोलते हैं इनको स्कल के अंदर। दीज आई बॉल, कहते हैं द आई बॉल इज अ स्फेरिकल, कैसा होता है, स्फेरिकल फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है बेटा। कैसा है तो बच्चा बता सकते हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसका नाम क्या होता है? शाबाश, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ये दो चैम्बर्स के अंदर टू टाइप का फ्लूइड होता है। ठीक है बेटे, विच कंटेन्स थ्री लेयर टिश्यूज, कितनी टिश्यूज की लेयर्स होती हैं? हमने कहा था ना फर्स्ट लेयर होती है, सेकेंड और या आउटर, मिडल और इनर बोला था हमने। द आउटर मोस्ट लेयर इज टफ, आउटर मोस्ट लेयर इज किस चीज की बनी होती थी? कनेक्टिव टिश्यूज की, जिसका नाम क्या होता था? स्क्लेरा, वाइट स्क्लेरा। द मिडल लेयर इज कॉल्ड कोरॉइड एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड रेटिना। ये हमें पता है कि सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो सेंसरी लेयर होती थी, जिसका नाम क्या था? रेटिना बेटे। कहते हैं व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स द आई, जब जो है वो लाइट स्ट्राइक करती है किसको, आई को, इट पासिस थ्रू द कॉर्निया, ये कॉर्निया से होती हुई गुजरती है। अब कॉर्निया क्या होता है, आपने पढ़ा था, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। क्या है ये? ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा। इट देन पासिस थ्रू द एक्वस ह्यूमर, फिर कहाँ से गुजर के जाती है? एक्वस ह्यूमर से गुजरती हुई किसमें से गुजरती है बेटे? नेक्स्ट देयर इज आयरस, दैट इज कलर्ड पार्ट ऑफ द आई एंड इट इज विजिबल थ्रू द कॉर्निया बेटे। ये कॉर्निया से हमें नजर आ रहा होता है, आपको ये नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, बड़े वाला ब्लैक कलर का पोर्शन आई के अंदर, तो ये आयरस मसल्स है बेटा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि इट हैज अ होल इन द सेंटर, इसके सेंटर में एक होल होता है कॉल्ड प्यूपिल बेटे, इसके सेंटर में एक छोटा सा सुराख होता है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। फ्रॉम द एक्वस ह्यूमर से द लाइट पासिस थ्रू द प्यूपिल टू द लेंस, कहाँ पे जाती है? लेंस के पास जाती है, विच फोकसेस इट ऑन द रेटिना। बिफोर रीचिंग द रेटिना लाइट पासिस थ्रू द विट्रस ह्यूमर, रेटिना से पे पहुंचने से पहले किसमें से गुजरती है? आपने ये पढ़ा था ना कि हमारे पास कॉर्निया से आयरस तक और आयरस से रेटिना तक दो चैम्बर्स है, पहले चैम्बर में एक्वस ह्यूमर फ्लूइड, दूसरे में विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर वाटरी फ्लूइड होता है और विट्रस ह्यूमर जेली लाइक फ्लूइड होता है, कंसिस्टेंसी गाढ़ापन उसका ज्यादा होता है। द पार्ट ऑफ द रेटिना वेयर द रिसेप्टर सेल्स, यानी कि कॉन्स एंड, और वो नहीं है हमारे पास दूसरे, रॉड्स दो किस्म के होते हैं ना, चले, कॉन्स आर पैक्ड टाइटली इज कॉल्ड फोविया बेटे। क्या कहते हैं? फोविया। अच्छा जी, और आपने पढ़ा था फोविया इज आल्सो कॉल्ड ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा जी, कहते हैं हेयर लाइट इज फोकस्ड, यहाँ पे लाइट को फोकस किया जाता है व्हेन यू लुक स्ट्रेट एट एन ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे देखते हो। आपने पढ़ा था ना ये फोविया के अंदर, नहीं वो ब्लाइंड स्पॉट वो अलग थी चीज, वहां पे तो ना रॉड्स होते हैं ना कॉन्स होते हैं, लेकिन फोविया वो जगह होती है डीप इन रेटिना और टाइटली पैक्ड विद द कॉन सेल्स, इसके अंदर डेंसली पैक्ड होते हैं कॉन सेल्स के साथ। और कॉन सेल्स हेल्प करते हैं कब, ड्यूरिंग डे टाइम पीएन में या नाइट टाइम में? डे टाइम में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये डायग्राम है, डायग्राम की तरफ हम बाद में आते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, शीप आर द बुल, आई, डाइसेक्शन बॉक्स, वॉचर, ग्लव्स, पेपर ट्रावल, डाइसेक्टिंग बोर्ड, शीट ऑफ न्यूज़पेपर, कोई साफ वगैरह करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर वगैरह का जरूरत पड़ेगी। डू यू नो एज द लेंस एजेस इट बिकम्स लेस फ्लेक्सीबल, जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है तो हमारे लेंस की फ्लेक्सीबिलिटी बेटे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इट्स एबिलिटी टू अकोमोडेट रिड्यूसेस, अकोमोडेशन जो है ना, अकोमोडेट किसे कहते हैं, जो हमारी आँख फोकल लेंथ को सेट करती है किसी चीज़ को देखने के लिए, जो हमारा लेंस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है उस अमल को कहते हैं फोकल अकोमोडेशन, ठीक है, तो वो फिर रिड्यूस हो जाती है। विच वीकन्स द साइट, जिसके नतीजे में हमारी नज़र भी क्या हो जाती है, दैट इज़ वाई ओल्डर पीपल वेयर आई ग्लासेस, जिसके नतीजे में जो बूढ़े लोग होते हैं क्या पहनते हैं। चले जी, प्रोसीजर्स में आ जाओ, कॉशंस क्या है, यूज ग्लव्स टू अवॉइड एनी कट ऑन योर हैंड बेटे। अच्छा जी, उसके बाद कहता है नंबर वन स्टेप में हम क्या करेंगे, ओबटेन द आई फ्रॉम द लेबोरेटरी एंड ऑब्जर्व इट इन फ्रंट व्यू, आइडेंटिफाई स्क्लेरा, फैट मसल्स, कॉर्निया, आयरस एंड द पिपिल। बेटे दोनों चीज़ें हैं, या तो हम फ्रेश आई भी ले लेते हैं, समटाइम हम मॉडल्स लेते हैं, आई के क्या लेते हैं, मॉडल्स, ठीक है, क्योंकि हर वक्त हमें जो है ना वो अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो उसके लिए हम जो है ना फिर मॉडल्स लेके रख लेते हैं और फिर मॉडल्स के अंदर जो है ना बच्चों को पढ़ाते हैं। कट द फैट मसल्स ऑफ विद सीजर, फैट मसल्स हैं वो हमने कट कर लेने, क्योंकि आई जो है वो मसल्स के जरिए ही जो है ना वो आई सॉकेट के अंदर वो अपनी प्लेस पे फिक्स है बेटा। नंबर थ्री पे देखें, मेक एन इंसीजन, कट लगाना है इन द कॉर्निया विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पल बेटे, किसकी मदद से,
तो उसके ज़रिए हम जो है ना वो कट लगाएंगे। मैं आपको डाइसेक्शन बॉक्स की स्टडी भी करवा दूंगा। बेसिकली डाइसेक्शन बॉक्स की स्टडी 9th क्लास के प्रैक्टिकल्स में है, ठीक है। कट अंटिल द एक्वस ह्यूमर अंडर द कॉर्निया इज रिलीज, जब तक कॉर्निया अलहदा ना हो जाए, रिलीज ना हो जाए तब तक कट लगा दो पूरा। फिर कहते हैं मेक एन इंसीजन थ्रू द स्क्लेरा, स्क्लेरा के अंदर हमने फिर इंसीजन लगाना है इन द मिडल ऑफ द आई बाय यूजिंग द स्कैल्पल, स्कैल्पल के जरिए हमने लगाना है, ठीक है बेटा। अगले पेज पे आओ। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि नंबर 5 पे क्या है आपके पास, नंबर 4 चल रहा है अभी, 5 आपके पास पिछले पेज पे। अच्छा जी, पुट अ कट, फिर एक कट लगाना है हमने अराउंड द मिडल ऑफ द आई, आई के मिडल पे। आपको साथ साथ डायग्राम्स में दिखा भी रहा है ना कैसे लगाना है। अच्छा ठीक है, इन द मिडल ऑफ द आई इनटू टू हाफ्स, द फ्रंट हाफ इज कॉर्निया, आफ्टर रिमूविंग द कॉर्निया फ्रॉम द फ्रंट हाफ प्लेस इट ऑन द बोर्ड एंड कट इट विद द स्कैल्पल आर द रेजर थ्रू द लेयर ऑफ द क्लियर टिश्यूज, ठीक है। 6 में देखें पॉइंट, पुल आउट द आयरस, आयरस को यू खींच के बाहर निकालो विच इज बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस, आइडेंटिफाई द प्यूपिल। फिर आयरस के दरमियान में आपको एक छोटा सा सुराख भी नजर आएगा जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्यूपिल बेटे, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहता है कि ऑब्जर्व द बैक ऑफ द आई एंड आइडेंटिफाई विट्रस ह्यूमर, बेटे बैक ऑफ द आई जब हम देखेंगे तो वहाँ से हमें गाढ़ा सा फ्लूड जो है ना वो जेली लाइक फ्लूड नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, फिर 8 पे देखें, रिमूव द लेंस बाय योर हैंड, हाथ से जो है ना वो लेंस को हम निकालेंगे। प्लेस दिस लेंस ऑन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पे रखें एंड सी मोर मैग्नीफाइड वर्ड्स, यानी अब न्यूज़पेपर पे रखने का मकसद क्या है कि जैसे हम न्यूज़पेपर पे रखेंगे तो उसके नीचे वाले जो लफ्ज़ हैं वो हमें कैसे नजर आने लग जाएंगे, मैग्नीफाइड। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, हमारी आँख में कौन सा लेंस होता है, कनकेव और कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस होता है। अच्छा जी, ऑब्जर्व द आई एंड ड्रेन ऑल द विट्रस ह्यूमर, सारा विट्रस ह्यूमर बाहर निकाल दो। आइडेंटिफाई द रेटिना, फिर रेटिना देखो ऑन इनसाइड द बैक ऑफ द हाफ ऑफ द आई बॉल, आई बॉल की बैक पे बैठे। आफ्टर कंप्लीटिंग द डाइसेक्शन रैप ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आई इन अ प्लास्टिक बैग एंड थ्रो देम इन अ डस्टबिन, इकट्ठे करके फेंक देने वरना अगले दिन लैब में आओगे तो स्मेल हो जाएगी सारी। अब बेटे ऑब्जर्वेशन के अंदर जस्ट आपने ये जो आपके पास डायग्राम बनी हुई है ना, लेबल डायग्राम, वही बनानी है। आपके पास पहले डायग्राम बनी हुई है ना बुक पे, लेबल डायग्राम बनी हुई है। एक्सपेरिमेंट जब शुरू हुआ तो वहाँ पे आपको दिखाई गई है लेबल डायग्राम, तो ये लेबल डायग्राम जो है वो बेटा यही आपने ऑब्जर्वेशंस में बनानी है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर ऑब्जर्वेशन बुक के अंदर है वहाँ पे भी बना देना, और जब आप नेक्स्ट जो ब्लैंक पेजेस के ऊपर आप प्रैक्टिकल वर्क करते हो, अपना ड्राइंग करते हो, तो वहाँ पे भी आपने यही डायग्राम बना देनी है बेटा। ऑब्जर्वेशंस हो गए, देन कंक्लूजन है बेटा। कंक्लूजन में हमने सिंपली यही लिखना है, लिख लें बेटा कंक्लूजन भी, आई हैज डिस्टिंक्ट पार्ट्स, आई हैज डिस्टिंक्ट पार्ट टू फोकस, आई हैज डिस्टिंक्ट पार्ट टू फोकस एंड डिटेक्ट लाइट, एंड डिटेक्ट लाइट and convey nerve impulse to the brain, and convey nerve impulse, and convey nerve impulse to the brain। मतलब ये कंक्लूजन है, हमने देखा कि मुख्तलिफ उसके डिस्टिंक्ट अलहदा अलहदा पार्ट्स हैं, ठीक है, और वो मसल ब्रेन को जो है ना वो नर्व इम्पल्स की सप्लाई देती है। पोस्ट लैब एक्टिविटीज क्या है बेटा, विच पार्ट ऑफ द आई कंटेन सेंसरी सेल्स, लिखो रेटिना। लिस्ट द पाथवे ऑफ द लाइट इन द ह्यूमन आई, बेटे पाथवे ऑफ द लाइट क्या है। सबसे पहले लाइट कहाँ से गुजरती है, कॉर्निया, कहाँ से गुजरेगी, कॉर्निया, कॉर्निया के बाद प्यूपिल, प्यूपिल के बाद लेंस, प्यूपिल के बाद लेंस, लेंस के बाद, अच्छा उसने जो है ना आपके पास यहाँ पे वो क्या कहते हैं एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर को बाईपास कर दिया है, तो आपकी मर्ज़ी बाईपास कर दें या आपकी मर्ज़ी जो है ना वो कंप्लीट लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद रेटिना, ऑप्टिक नर्व एंड ब्रेन, रेटिना शॉर्ट शॉर्ट लिखवाएं, अंदर एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर का जिक्र हमने नहीं किया। रेटिना, ऑप्टिक नर्व एंड ब्रेन, देख लिया बेटे। अब आपको मैं आई का मॉडल दिखा देता हूँ। ये है बेटा हमारे पास आई का मॉडल, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक और भी मॉडल दिखाया था किडनी का,
अब हमारे पास यहाँ पे ना नंबरिंग की होती है बेटा, ये वन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 एंड देन 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन ये 11 है, ये 11 है, ठीक है बेटे, और ये 12 है बेटा। अब इसको वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। देखें बेटे, ये वाला जो पार्ट है ना आपको आई का नज़र आ रहा है, आपने पढ़ा था सबसे आउटर मोस्ट, बल्कि वन से देखना शुरू करते हैं। वन पे क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे रेटिना, क्या लिखा हुआ है, रेटिना लिखा हुआ है। अब वन पे रेटिना है, बाकी वन पे रेटिना है, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है ये वाली, सबसे इनर मोस्ट ये येलोइश कलर की, ठीक है, अंदर वाली लेयर ये कौन सी है, रेटिना, ये क्या है, रेटिना। आपने पढ़ा था सेकंड जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, कोरॉइड बेटे, कौन सी है, कोरॉइड, मिडल लेयर, अच्छा जी। और उसके बाद आउटर लेयर क्या होती है बेटे, सक्लेरा की बनी होती है, किसकी बनी होती है, आपने पढ़ा था इन फ्रंट ऑफ द सक्लेरा क्या होते हैं, इन फ्रंट ऑफ द सक्लेरा देयर इज अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया बेटे। अच्छा जी, फोर पे क्या है बेटा हमारे पास, कॉर्निया। अब ये देखो, ये आंख की सामने वाली साइड आ गई जो आपको नजर आ रही है, तो इसलिए उसने सामने मेंशन कर दिया। फोर पे क्या है बेटा, कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। अच्छा जी, फाइव पे क्या है, आयरस, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वाले जो मसल्स व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं, आपने पढ़ा था कि ये आयरस मसल्स होते हैं, और इनके साथ ये जो छोटी छोटी लाइंस है ना, ये थोड़ा सा नंबर उसने पहले लिख दिया, ये छोटी छोटी लाइंस है बेटा, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, सिलरी मसल्स, यू नो अबाउट द सिलरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स, पढ़े थे ना हमने, तो ये वही होते हैं बेटा। उसके बाद बेटा सेवन पे हमारे पास, और सिक्स पे लेंस है, सिक्स पे क्या है, ये जो हमारे पास नजर आ रहा है ये लेंस है बेटा, ये क्या है, लेंस है, ठीक है, ये व्हाइट कलर का पूरा जो बड़ा नजर आ रहा है लेंस, लेंस को ही पकड़ने वाले सिलरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। आयरस मसल्स बेसिकली जो आपको नजर आ रहे हैं वो ये पूरे ब्लैक वाले आयरस मसल्स ही होते हैं बेटा, ठीक है। और इनके दरमियान में एक छोटा सा होल होता है जिसको हम प्यूपिल का नाम देते हैं, जिसको हम, अब वो होल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं कि सेवन पे ऑप्टिक नर्व है बेटे, ये ऑप्टिक नर्व निकल रही है, ये रेटिना से आ रही है मैसेज लेके और कहाँ जाती है, ब्रेन को, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एट पे क्या है, विट्रस ह्यूमर। अब एट क्या है, लेंस और रेटिना के दरमियान में ये वाला जो पोर्शन है, इसमें जो जेली लाइक फ्लूइड होता है वो कौन सा होता है, विट्रस ह्यूमर बेटे। अच्छा जी, उसके बाद नाइन पे है हमारे पास अपर आईलिड, नाइन पे क्या है, अपर आईलिड, ये वाला, ये आंख ऐसे नजर आ रही है आपको, ये अपर आईलिड, ये लोअर आईलिड, ठीक है। टेन पे लोअर आईलिड, देन इलेवन पे क्या नजर आ रहा है, प्यूपिल, चाहे वो कहते हैं यहाँ से देख लो चाहे इस जगह से देख लो प्यूपिल, ठीक है। अच्छा जी, और ट्वेल्थ पे क्या नजर आ रहा है, ये पूरे का पूरा क्या है, आई बॉल, ट्वेल्थ पे क्या है, आई बॉल बेटे, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मॉडल पे दिखा रहे हैं, ठीक है। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।